लाखों दर्शकों का भरोसेमंद न्यूज चैनल R9 भारत। खबर है साहिबगंज से, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर हाजीपुर मोड़ के पास देर रात दारू पी रहे 3 युवकों को अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उनके पास से एक लोडेड देसी कट्टा व बाइक बरामद किया। वहीं SDPO राजेंद्र दुबे ने अनुमंडलीय कार्यालय स्थित अपने कक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि सोमवार की रात लगभग 11:45 पर मुफस्सिल थाना प्रभारी को हाजीपुर मोड़ पर कुछ युवकों के शराब पीने व अपराध की साजिश रचने की सूचना मिली, जिसके बाद थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश ने अपने दल बल के साथ छापामारी कर तीनों युवकों को दबोच लिया। पूछताछ करने पर अपना नाम नीतीश कुमार, विकास यादव व सोनू कुमार रहने वाला फौजदारी पिरपैती बताया। SDPO ने बताया कि मामले में अनुसंधान जारी है। मौके पर मुफस्सिल थाना प्रभारी अनुपम प्रकाश व अन्य मौजूद थे। साहिबगंज झारखंड से सहेंद्र प्रसाद। दारू पी रहे हैं हाजीपुर मोड़ के पास, जिस पर थाना प्रभारी अपने थाना के पुवारी अमन कुमार और सशस्त्र गश्ती पदाधिकारी सहनी परशुराम चौधरी से जा करके वहाँ पर छापामारी किए। छापामारी के क्रम में 3 व्यक्ति गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक नीतीश कुमार उम्र 21 वर्ष पिता चंद्रिका माथुर, दूसरा विकास कुमार यादव उम्र 19 वर्ष पिता जनार्दन यादव, तीसरा सोनू कुमार उम्र 19 वर्ष पिता रमेश यादव, यह हाजीपुर फौजदारी के रहने वाले हैं। और इन लोग के पास एक देसी कट्टा, एक हीरो होंडा मोटरसाइकिल और उसमें गोली भी था, जिससे एक कारतूस बरामद हुआ है। इसका कोई मंसूबा भी था क्या? उस बिंदु पर भी अनुसंधान किया जाता है। आपराधिक इतिहास है? आपराधिक इतिहास नहीं है। ठीक।